दो सबसे बड़े कॉस्ट है फेडरल गवर्नमेंट में डेट सर्विसिंग के अलावा, एक तनख्वाहें, दूसरा पेंशन। तनख्वाहों का सिस्टम ठीक करना है कि जो बेहतर काम करे उसको ज्यादा तनख्वाह मिले, जो काम ना करे उसको ना मिले। और जैसे आपने कहा, जो हमारे पास रिडंडेंसी है लोगों की, गवर्नमेंट में बहुत सी जगह एक बंदे का काम करने के लिए पांच बंदे बैठे होते हैं, उसका एक हल निकाले, वो तो एक डिबेट है। ठीक है, उसमें हमने कुछ चीजें जरूर की, जैसे मैंने आपको बताया कि केपीआरए में जो एक परफॉर्मेंस बोनस का कल्चर लाया, वो सारी गवर्नमेंट में लाना है। और जो रिडंडेंट या जो वो लोग हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, उनको हमने किसी तरीके से रीट्रेन करना है, रीयूज करना है। क्योंकि अगर एक एक फाइल ने 10-10 लोगों के थ्रू पास करना हो और उनके पास कोई काम करने का ना हो, तो या तो वो काम को स्लो करेंगे या रोकेंगे, या वो एक रेंट सीकिंग या करप्शन की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। एक चीज हो गई पेंशन, सॉरी तनख्वाहें। दूसरी जो चीज है पेंशन की, खैबर पख्तूनख्वा आज से 20 साल पहले 2003-4 में, मुझे तो काफी करंट लगता है, मे बी इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ माई एज, पेंशन पे लगाता था हमारे करंट बजट का 0.5%। यानी लेट्स से करंट बजट होता था कोई 80 अरब, पेंशन का खर्चा होता था कोई 40 करोड़। उस वक्त एक पेंशन रिफॉर्म आई कि लोग अनफंडेड पेंशन, यानी पेंशन के फाइनेंस करने का कोई निजाम नहीं है, जिससे पूरी दुनिया सिवाय पाकिस्तान मूव हो चुकी है। 2004 में एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आया जिसकी वजह से इंडिया अनफंडेड पेंशन से फंडेड पेंशन की तरफ गया, और पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा भी गया। खैबर पख्तूनख्वा में कानून आया लेकिन किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया, और 4-5 साल बाद वो कानून स्क्रैप हो गया। आप सोचें, अगर 40 करोड़ का पेंशन बिल था और उस वक्त बाकी पेंशन फंड हो जाते, तो आपने कहा कि आज कितना बिल है, एक साल में 110 अरब रुपए। अगर आप पूरे पाकिस्तान का ले लें तो रफली 1200 अरब रुपए। हमारे बजट्स का, करंट बजट्स का ये तकरीबन 16% हिस्सा है। जो ज्यादा खौफनाक चीज है वो ये है कि चूंकि आपको पता है कि जो जो सरकार में काम कर रहा है 60 की उम्र में उसने रिटायर होना है, तो आपको पता है कि अगले 35-40 साल के लिए ये पेंशन्स की पेमेंट जो है वो हर साल 22-25% ग्रो करेगी। और अगर आप अपनी आमदन का जो है वो एवरेज ले लें, तो वो 8-9% ग्रो करनी पड़ती है। तो दिस, ये जो है ये कल का प्रॉब्लम नहीं है, ये आज का टाइम बॉम्ब है, बल्कि अभी ये टाइम बॉम्ब से बढ़ता हुआ एक काफी बड़ा बॉम्ब बन रहा है, और 10 साल में ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। आपका प्रॉब्लम ये क्यों है? क्योंकि ये आपके पैसों से फाइनेंस होना है। और ये एक सिविल सर्वेंट का प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर निजाम ना बदला तो 10 साल के अंदर, शायद 5 साल के अंदर उसको पैसे नहीं मिलेंगे। आज आप रेलवेज के एम्प्लॉयज ले लें, पोस्टल सर्विसेज के एम्प्लॉयज में ले लें, चूंकि वो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती है, और वफाकी हुकूमत कहती है कि यू आर नॉट आर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। हमने 4-5 चीजें की, सारी अनपॉपुलर, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी ये साबित करती है कि रिफॉर्म के लिए कंसेंसस और डिबेट की भी जरूरत नहीं है। आपने काम करना है तो काम कर ले, और उसका इंपैक्ट जो है वो आएगा। पहली चीज, हमने अर्ली रिटायरमेंट एज बढ़ाई। 10,000 टीचर हर साल रिटायर हो जाते थे 45 की उम्र में, एट द पीक ऑफ देयर करियर्स, पेंशन भी लेते थे और जाके प्राइवेट स्कूल में 1-2 लाख रुपए कमाते थे। कौन सा इदारा ये करता है? वो हमने 55 साल की, पहला सूबा था हमने किया, हमें फिर पंजाब ने फॉलो किया। इससे हमारे साल के तकरीबन 15 अरब रुपए बचते हैं। दूसरा जो काम किया वो ये था कि जो जो हमारी पेंशन की हायरार्की थी वो इतनी लंबी हो चुकी है कि सिर्फ आपके विडो को या आपके बच्चों को पेंशन नहीं मिलती, माँ बाप, फिर बहन भाई, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन के विडोज, फिर भाई बहन, उनके बच्चे, कोई 13 डिफरेंट लेवल्स थे। अनबिलीवेबल, ऐसे भी लोग थे जिनको 2-2, 3-3 पेंशन मिलती थी। मैंने ये भी एक प्रेजेंटेशन में चीफ मिनिस्टर को कहा कि सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं 10 दिन में अपने नाना गुलाम इसहाक खान की पेंशन भी दोबारा बहाल कर सकता हूं, क्योंकि इतनी परम्यूटेशंस हैं, कहीं ना कहीं कोई रिश्तेदार मिलेगा जिसको आज भी वो पेंशन जो है वो बन सकती है। दिस इज रिडिक्युलस, पेंशन 70-70-80-80 साल चलती है।
तो वो हमने ठीक करके, अभी भी वाहिद गवर्नमेंट है, वाहिद सूबा नहीं, जिसने पेंशन हायरार्की ठीक करके सिर्फ बच्चों को देते हैं, विडो को देते हैं, और माँ बाप हमने शामिल कर दिए, क्योंकि हमारी सोशल कॉन्स्ट्रक्ट में जो है वो माँ बाप का एक मकाम होता है। और फाइनेंशियली कितनी बार होगा कि एक इन सर्विस बंदे की डेथ हो जाए और माँ बाप जो है उनको ज़रूरत हो, तो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल जायज़ है। जो दो सबसे बड़े कदम लिए, एक जब वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में डीएमजी ऑफिसर्स एक इंक्रीज मांग रहे थे सैलरी में, तो उनसे एक पेंशन टैक्स इफ़ यू लाइक लिया। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जो पेंशन टैक्स है वो हल है, ये जो अगले 30-35 साल जो लोग अनफंडेड पेंशन लेंगे उसका हल, उसका बेहतरीन हल ये है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाहों के इंक्रीज से प्रोग्रेसिवली एक टैक्स लिया जाए, ताकि कम से कम पेंशन का एक हिस्सा जो है वो फाइनेंस होना शुरू हो जाए। सबसे मुश्किल काम वो ये कि कानून बनाया कि 1 जुलाई 2022 से जो सारे नए एम्प्लॉयज आएंगे उनको अनफंडेड नहीं फंडेड पेंशन मिलेगी, एक डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिलेगा। यानी कि होगा क्या कि वो अपने तनख्वाह का 10% एक पेंशन फंड में डालेंगे, हुकूमत 10% नहीं 12% डालेगी, और उसका उनको फायदा क्या होगा कि पेंशन तो उनको एंड ऑफ करियर मिल जाएगी, लेकिन अगर वो हुकूमत की सर्विस जल्दी छोड़ना चाहते हैं तो उनको 25 साल इंतजार भी नहीं करना, वो जल्दी जो है वो छोड़ सकते हैं, और जो उनके पेंशन फंड में पैसे हैं वो बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, खुद भी डालना कंटिन्यू कर सकते हैं, पैसे ले भी सकते हैं। जैसे जब मैंने अपना करियर छोड़ा मुझे कहा कि अगर आप इसको अपनी पेंशन की तरफ डालना चाहते हैं तो पेंशन की तरफ डालें, अगर आप सारे अपने पैसे लेना चाहते हैं तो ले लें। मैंने इलेक्शन लड़ना था तो कहा यार मुझे अपने पैसे चाहिए, आज भी मैं उन सेविंग्स से ही रह रहा हूं। अच्छा जी, तो आपके ये सिस्टम को चेंज कर देता है और जो सारे नए एम्प्लॉयज हैं उनको ये गारंटी होगी कि उनका पेंशन मुस्तकबिल में फंड होगा, और चूंकि उनका पेंशन फंडेड है सरकार इस बात से भी नहीं डरेगी कि हम जो पब्लिक सेक्टर में एक इशू है कि अच्छे लोगों की तनख्वाहें बहुत लो हैं, वो इसलिए लो हैं क्योंकि 6 लाख लोग तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट में है, पूरे पाकिस्तान को मिला लें तो कोई 40-50 लाख लोग जो है वो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, पैसे नहीं होते तो हर किसी को एक एक दो दो रुपए इंक्रीज देते हैं और दैट इंसेंटिवाइजेस पीपल टू स्टील। लेकिन अगर आपका पेंशन का निजाम फंडेड हो तो टैक्स पेयर पे बोझ खत्म, और आपके पास 5-10 साल में एबिलिटी आ जाएगी कि आप लोगों को कमेंजरेट इंक्रीजेस दे सकते हैं। और आखिरी चीज, जब 10 साल में ये पेंशन फंड्स बढ़ जाएंगे, मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा का पेंशन फंड 10 साल में 200-250 अरब रुपए का मिनिमम हो जाएगा, तो ये गवर्नमेंट के पास एक इन्वेस्टमेंट का भी टूल होगा सेफ प्रोजेक्ट्स में, जैसे दुनिया में होता है कि आपके पेंशन के पैसे जिस तरीके से एक रिटर्न आपके लिए कमाएंगे कि उससे आपके सूबे का, आपके मुल्क का भला भी होगा। इट इज ट्रांसफॉर्मेटिव। इससे ज्यादा गालियां मुझे किसी चीज पे पर्सनली पड़ी नहीं, IMF का एजेंट, वर्ल्ड बैंक का एजेंट, सरकारी मुलाजमों का दुश्मन, लेकिन मुश्किल रिफॉर्म करना है तो करना है उन्हीं वही लोग, अगर कभी कभी लोगों को पता नहीं होता व्हाट्स गुड फॉर देम, बट आई एम प्राउड कि हमने वो करके दिखाया है जो पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट ने नहीं करके दिखाई। सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ा खतरा तो हम उन लोगों के साथ ही कर रहे हैं जो जिन्होंने 35-35 साल नौकरी की होगी, और जब हालात बुरे हो जाएंगे जैसे रेलवेज में है या पोस्टल सर्विसेज में है, हम कहेंगे जी आज हम आपको पेंशन देते ही नहीं है। बड़ा सोचा शॉर्ट टर्म में हमने ये पेंशन फंड्स, क्योंकि गवर्नमेंट में कैपेसिटी नहीं होती, हमने 11 बड़े फंड मैनेजर्स को जो प्राइवेट सेक्टर के हैं उनको दे दिया, और एम्प्लॉय की चॉइस होगी कि वो कौन सा फंड मैनेजर इस्तेमाल करता है, और वो हर साल जो है वो फंड मैनेजर चेंज भी कर सकता है, वो चॉइस हम उसको दे रहे हैं। राइट, मीडियम टर्म में मेरा जाती ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को एक अपना फंड मैनेजमेंट या एसेट मैनेजमेंट यूनिट भी बनाना चाहिए, बट उसके लिए हमारे सिस्टम में इतनी मैच्योरिटी आनी चाहिए कि कल हम ये इल्जाम ना लगाएं कि ये देखें इन्होंने जो है वो ये फलानी जगह इन्वेस्ट कर दिया या ये इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपना एसेट मैनेजमेंट यूनिट बनाए लेकिन वो रिंग फेंस्ड हो, रिंग फेंस्ड से मतलब कि उसमें हम पॉलिटिकल लोग ना डालें, बेहतरीन एसेट मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स ही डालें, तो वो फिर जो गवर्नमेंट के पास पूल होगा वो मोटरवेज जैसे प्रोजेक्ट्स में या डैम्स जैसे प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है जिनका रिटर्न जो है वो गारंटीड हो, और सिर्फ एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट में डालने से
बेहतर भी हो. ये कोई नई चीज हमें याद नहीं कर रही है, पूरी दुनिया में जो है वो होती है. लेकिन उसका इम्पैक्ट ये होगा कि हमारी फिस्कल स्पेस, हमारे एम्प्लॉयज की वैल्यू प्रोपोजिशन वो बिल्कुल बदल जाएगी. और अगर